दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीम के बीच WPL का पहला मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आखिर जिस मुकाबले का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था, वो मैच मुंबई और गुजरात के बीच अब शुरू हो चुका है, जहां मैदान पर छक्के चौकों की बारिश होती हुई नजर आ रही है। आखिर हरमनप्रीत कौर की टीम मुंबई ने बना लिए कितने रन, कौन खेल रहा है कितने रनों पर, लाइव क्या चल रहा है, स्कोर सब आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मुंबई और गुजरात में से आज कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला सीजन आज यानी कि शनिवार से शुरू हो चुका है, जहां मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीम के बीच खेला जा रहा है। वहीं उससे पहले DY पाटिल स्टेडियम में आज बड़े धूमधाम से WPL का आयोजन किया गया, जहां वुमेन्स प्रीमियर लीग को सफल बनाने के लिए BCCI पूरी कोशिश कर रही है। और अब यहां पर हम सभी को एक रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीम के बीच खेला जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम की कप्तान जहां हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है, तो वहीं गुजरात जायंट्स की टीम की कमान हम सभी को संभालती हुई बेथ मूनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कप्तान है, वो नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें मैच के बारे में, तो दोस्तों मुकाबला अगर आप अपनी टेलीविजन पर देखना चाहते हो तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद उठा सकोगे, और अगर आपको मुकाबला ऑनलाइन देखना है तो वो जियो सिनेमा पर दिखाया जा रहा है। वहीं बात कर लें अगर मैच के बारे में, तो दोस्तों आज महिलाओं के पास एक इतिहास रचने का मौका है, जो कि आज भारतीय क्रिकेट दर्शकों के लिए एक गौरवान्वित वाला दिन भी है। वहीं दोस्तों आपको हम बता दें कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच जो आज 4 मार्च को खेला जा रहा है, इस मैच में मुंबई इंडियंस के सामने गुजरात की चुनौती होगी कि वो उनको हराए। तो वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस अपने आप में एक मजबूत टीम सामने उभर कर आई है, और यहां पर मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के अलावा UP वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें भी शामिल हैं। और इस टूर्नामेंट के पहले सीजन में कुल मिलाकर 20 लीग मैच और 2 प्लेऑफ मैच होंगे, जो कि 23 दिनों के दौरान खेले जाएंगे। वहीं टूर्नामेंट में कुल 4 डबल हेडर होंगे, यानी एक दिन में 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनका इंतजार बेसब्री से पूरा भारत देश कर रहा है। और दोस्तों मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर के बल्ले से तो छक्के चौकों की बारिश होती हुई नजर आएगी, और साथ में हम सभी को उनकी टीम में अमेलिया केर, हिली मैथ्यूज, इसी वोंग, नेट स्काइवर ब्रंट, पूजा वस्त्रकार जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो कि मुकाबले में और भी रोमांच पैदा करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स की टीम भी कोई कमजोर टीम नहीं है, उनकी टीम में बेथ मूनी कप्तानी की भूमिका संभाल रही है। तो वहीं एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, हरलीन देओल और इसने राणा जैसे खिलाड़ी टीम को और मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं अगर बात कर लें टीमों के बारे में, तो दोस्तों आप सभी को जो मुंबई इंडियंस की आज टीम खेलती हुई नजर आएगी उसमें हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, हिली मैथ्यूज, नेट स्काइवर ब्रंट, यास्तिका भाटिया, क्लोट रोयान, एमिलिया केर, पूजा वस्त्रकार, सोनम यादव, इसी वोंग और साइका इशाक खेलती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं दोस्तों गुजरात जायंट्स की टीम की तरफ से कप्तानी बेथ मूनी के हाथों में थमाई गई है। सेबनिनी मेघना टीम का हिस्सा है एशले गार्डनर, रांडिया डस्टिन, सोफिया डंकले, हरलीन देओल, इसने राणा, सुषमा वर्मा, मानसी जोशी, तनुजा कन्वर और मोनिका पटेल खेलती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों यही होगी मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की प्लेइंग 11 टीम। और अब आप सभी की क्या राय है कि आज का ये रोमांचक मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, मुंबई और गुजरात में से कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।